नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बहाने बृजभूषण सरन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण गरीबी के चुनाव मैदान में है। संजय कुमार सिंह WFI अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर संजय कुमार जीतते हैं तो वह बृजभूषण के चुनाव जीतने के बराबर है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि बृजभूषण और उनके परिवार के करीबी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। सरकार अपना वादा पूरा करे, नहीं तो महिला पहलवान सुरक्षित नहीं रहेगी। महिला पहलवान कब तक डर में जिएगी? भारतीय रेसलर मोहित कुमार ने वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में एल्डार अखमदुद्दीनीव को 9-8 से मात दी। मोहित ने 61 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। इसी के साथ मोहित कुमार वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। दीपक पुनिया 2018 में यह टूर्नामेंट जीतने वाले आखिरी पहलवान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे मुख्य है ई बस सेवा। कैबिनेट की बैठक में ई बस सेवा के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। नगरीय बस परिवहन सेवा को विस्तार करने, उसे सुविधाजनक बनाने और हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए PM ई बस सेवा को मंजूरी दी गई है, जिस पर 10 साल में 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगर आपको भी सोशल मीडिया या किसी अन्य स्रोत से पता चलता है कि आपको 500 रुपए का वो नोट नहीं लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी RBI गवर्नर के हस्ताक्षर के पास नहीं बल्कि गांधी जी की तस्वीर के पास है, यह दावा फर्जी है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच यूनिट PIB फैक्ट चेक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही 500 रुपए के नोट के बारे में फर्जी खबरों के प्रति लोगों को सचेत किया है। RBI ने साफ कहा है कि दोनों तरह के नोट वैध हैं। विश्व चैंपियनशिप के मेडलिस्ट महिला पहलवान विनेश फोगाट चोटिल होने के चलते एशियन गेम्स में भाग नहीं ले पाएंगी। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर यह जानकारी दी है। विनेश ने लिखा है कि वह एक दुख भरी खबर शेयर करने जा रही है। उनके बाएं घुटने में चोट लगी है, जिसके चलते वह एशियन गेम्स में भाग नहीं लेंगे। विनेश के चोटिल होने से महिला पहलवान अंतिम पंघाल को मौका मिल सकेगा। ट्रायल में उन्होंने ही जीत दर्ज की थी, हालांकि बाद में विनेश व बजरंग का चयन सीधे कर दिया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ लगभग 32,500 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बहुत जरूरी बुनियादी ढांचा विकास उपलब्ध होगा। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी और 7.06 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का उम्मीद है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लोगों को भोजन सहित विभिन्न सहायता प्रदान करने के लिए भारत की सराहना की है। WFP ने एक्स पर कहा कि इस साल की पहली छमाही में अफगानिस्तान में 1.6 करोड़ लोगों को WFP से भोजन मिला है। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत भारत ने अफगानिस्तान में UNWFP केंद्रों को कुल 47,500 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता प्रदान की। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना के लिए अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी को कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को देने हैं। AH-64 अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय जंगी हेलीकॉप्टरों में से एक है। अमेरिका सेना इसका ही इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना के यह 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी 2024 तक निर्धारित है। अपने भतीजे अजीत पवार के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग से पैदा हुए राजनीतिक अटकलों पर NCP प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार ने कई सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। साथ ही डिप्टी CM अजीत पवार द्वारा उनकी फोटो इस्तेमाल करने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि अजीत पवार मेरी फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उन्हें रोका जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर इस मामले में हम कोर्ट में जाकर उन्हें चुनौती देंगे। देश में MBBS और BDS कोर्स में दाखिला लेने के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। नीट स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार नीट परीक्षा को ही खत्म कर देना चाहती है। इस संबंध में हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने एंटी नीट बिल के संबंध में राष्ट्रपति के लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम विधेयक 2021 को मंजूरी देने में देरी के चलते होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है तो 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता और छात्र आत्महत्या करने से बच जाता।
चीन के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए भारत से सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने बीते 10 सालों में जितनी तेजी से विकास किया है उसे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। भारत की तारीफ करने वाली ये स्कॉलर बीजिंग में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हु सिसेंग हैं। उन्होंने कहा कि देखो भारत ने 10 सालों में क्या किया है। भारत का यह तीव्र विकास मुख्य रूप से गुजरात स्टाइल पर आधारित है। पाकिस्तान इस तरह का विकास क्यों नहीं कर पाया? सोचना चाहिए कि इस तरह के मॉडल के तहत विकास क्यों नहीं हो पाया। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कतर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और उन्हें कब और क्यों गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी अल जाहिरा अल आर्मी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते हैं। ये कंपनी कतर की नौसेना को प्रशिक्षण और सामान मुहैया कराती है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि कतर स्थित भारतीय दूतावास गिरफ्तार भारतीयों को कौंसुल सेवा देने की कोशिश कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऑडिट में अनियमितताओं को चिन्हित करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि इसके तहत 3,446 मरीजों के इलाज के लिए 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिन्हें डेटाबेस में पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। 2018 में शुरू की गई यह योजना स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाली गरीब और कमजोर आबादी के लिए अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इस स्वास्थ्य बीमा योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू किया गया था। मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए बुधवार को विभिन्न रैंक की 29 महिला अधिकारियों समेत 53 अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। सीबीआई जांच के दायरे में शुरुआती मामलों के लिए 2 महिला डीआईजी रैंक के अधिकारी समेत 29 महिला को शामिल किया गया है। राज्य में हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर 65,000 से अधिक FIR दर्ज किया गया है। इनमें से 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपा गया है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की गुरुवार को बैठक होने वाली थी लेकिन अब यह टल गई है। इस बैठक में राहुल गांधी खुद शामिल होने वाले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में यह पूरी बैठक होने वाली थी। इसमें शामिल होने के लिए बिहार से कांग्रेस के नेता बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। अगली बैठक कब होगी इसके बारे में कोई तिथि तय नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं की माने तो बैठक के टलने की वजह है राहुल गांधी हिमाचल में आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं। इसके चलते आज यह बैठक नहीं हो सकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी वीरता का परिचय देने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि इन सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा समारोह के दौरान अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए वीरता का परिचय दिया गया है। मालूम हो कि इन पुलिसकर्मियों को सम्मान के तौर पर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 51,000 रुपए दिए गए हैं। बता दें कि जिन 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है उनमें अजीत कुमार, विकास कुमार, जगदानंद कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार, जूही कुमारी और शांति कुमारी के नाम शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आधिकारिक सूत्रों को बताए अनुसार बिहार में जातीय गणना की डाटा एंट्री का काम पूरा हो चुका है। यानी कि जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में प्रगणकों द्वारा एकत्र की गई जानकारियों को बिजाग ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे में अपलोड किए गए आंकड़ों का बेल्ट्रॉन के विशेषज्ञों की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में बीते दिन शाम को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश भी दिए गए। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ाने के लिए इन्हें प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना, गया, भोजपुर, बेगूसराय एवं किशनगंज में काम होगा। इन जिलों में 30-30 केंद्रों को विकसित किया जाएगा जिसमें बच्चों की उपलब्धता एवं उनकी बढ़ती रुचि का आकलन सेविका सहायिका करेंगी। बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद पायलट प्रोजेक्ट को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। बिजली बिल जमा करने और विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने संबंधित फोन कॉल या मैसेज आपके पास भी पहुंचता है तो सावधान हो जाए। इस तरह के कॉल और मैसेज से साइबर अपराधी बिजली उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से बिजली वितरण कंपनी भी सतर्क हो गई है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को साइबर अपराधियों से सावधान रहने कहा है। कंपनी द्वारा अलर्ट करते हुए कहा गया है कि किसी मोबाइल नंबर पर बिजली बिल जमा न करें, अनजान व्यक्ति, संस्था आदि को मोबाइल नंबर न दें। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अब भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि पूरे 15 भाषाओं में किया जाएगा। जल्दी SSC की ओर से सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, रविशंकर, उमेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, ऋतु जीतू, नौशद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।